पर जो आपका सेकेंड अप्रेजल होगा उसमें कुछ मिल जाती है। अगर आप लोग ऐसे फर्स्ट करियर ज्वाइन करने का सोच रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एससीएल फर्स्ट करियर्स क्यों ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मेरा लास्ट 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर मैं आपको बताऊंगा सैलरी, अप्रेजल, प्रोजेक्ट्स, जॉब सिक्योरिटी, ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो हर कोई जानना चाहता है ज्वाइन करने से पहले। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ बनाता रहूँगा और बना चुका हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी IT में कैसे सर्वाइव करते हैं उसके लिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आते हैं कि मैंने SCL फर्स्ट करियर्स क्यों ज्वाइन किया। मैंने अपनी BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में की थी और मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना IT इंडस्ट्री में स्विच कर लूँ। पर IT इंडस्ट्री में भी जॉब करने के लिए IT स्किल्स चाहिए होते हैं जो कि मेरे पास थे नहीं, और उस टाइम कोई गाइडेंस के लिए भी नहीं था कि कोई गाइड कर दे मुझे कि क्या कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी कंपनी में इंटरव्यूज़ देने चाहिए, तो इसलिए मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि SCL एक फ़ी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है 6 मंथ्स के लिए, फिर एक फुल टाइम जॉब प्रोवाइड करती है उसके बाद कंप्लीट होने के बाद। तो मेरे मन में भी काफ़ी डाउट्स थे कि अगर मैंने ज्वाइन कर लिया और जॉब परमानेंट मिली नहीं तो क्या होगा, पर मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, और टाइम के साथ साथ फिर धीरे धीरे ये सारे डाउट्स क्लियर होते रहे। अब आते हैं ट्रेनिंग पर। तो 3 मंथ्स की आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी और 3 मंथ्स की आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग। टोटल ट्रेनिंग का टेन्योर आपका होगा 6 मंथ्स का, और ये मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये 6 मंथ्स आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होंगे, इसका बस आपको एक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ अपनी। मुझे 3 मंथ्स की लिनक्स ट्रेनिंग मिली थी जिसमें 3 असेसमेंट होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। ये असेसमेंट टेक्निकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पर होते हैं और इन पर वो ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर ही रहे होते हैं, तो 99% ऑफ द स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं। फिर जब असेसमेंट्स क्लियर हो जाती है फिर आपको डिप्लॉय किया जाता है ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए प्रोजेक्ट्स में, और 99% ऑफ द केसेस में जब आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग हो जाती है तो वही आपके फाइनल प्रोजेक्ट होते हैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के बाद, और आप फुल टाइम एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपको एक मैनेजर अलॉट किया जाएगा जो आपकी ट्रेनिंग के बाद आपकी रेटिंग प्रोवाइड करेगा, और ये रेटिंग वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिसाइड करेगा, और 99% ऑफ द केसेस में ये रेटिंग सही देते हैं वो, अगर आप उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहे तो। अब आते हैं सैलरी पर। तो फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी वही होगी जो पैकेज आपको बताया जाएगा हायर करने से पहले, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका PF, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह डिडक्ट होते हैं उसमें से। अप्रॉक्सीमेटली 2000 के करीब आपके डिडक्ट हो जाएंगे PF और मेडिकल इंश्योरेंस के। और अगर आपने ज्वाइन करने से पहले लोन के लिए अप्लाई किया था ट्रेनिंग फीस के लिए तो आपका लोन का अमाउंट भी डिडक्ट होगा आपके टेन्योर के हिसाब से, तो वो भी आप कंसिडर कर लेना। फिर फाइनल जो डिडक्शन के बाद जो सैलरी आएगी वो आपकी होगी मेन सैलरी। अप्रेजल पर आने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अब आते हैं अप्रेजल पर। तो आपका अप्रेजल डिपेंड करेगा आपकी मैनेजर की रेटिंग पर और जिस प्रोजेक्ट में आप डिप्लॉय हुए हो उस पर। तो अगर आपको कोई कहे कि SCL में रेटिंग अच्छी नहीं मिलती तो ये कम्प्लीटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन है और उन पर यकीन मत करना, क्योंकि ये सब आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है और ये सब कंपनीज में सेम होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपके एफर्ट्स नोटिस होते हैं, तो उसके बेसिस पर ही आपको अच्छी रेटिंग मिलती रहेगी। अब आते हैं कि आपका अप्रेजल कितना होगा, कितनी हाइक मिलेगी। तो फर्स्ट ईयर में आपको जितनी मर्जी अच्छी रेटिंग मिल जाए, चाहे बेस्ट रेटिंग मिले, तब भी आप अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पर। तो अगर आप SCL के इनहाउस डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय हुए हो तब तो आपको काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम करने का मौका मिलेगा और आपके स्किल्स डेवलप होते रहेंगे। पर अगर आप इनहाउस डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में नहीं डिप्लॉय हुए हो, नॉर्मल क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पर डिप्लॉय हुए हो, तब आपको जब तक प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होता आपको वही काम करना पड़ेगा जो उस प्रोजेक्ट में चल रहा है। पर इसमें भी कुछ चिंता करने वाली बात नहीं होती, SCL में इंटरनल अकेडमी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आप इंटर मूवमेंट कर सकते हो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अगर आपको अप्रूवल मिल जाए तो। अब आते हैं जॉब सिक्योरिटी पर। SCL में आपकी जॉब हमेशा सिक्योर्ड रहेगी, आपको कभी डर नहीं होगा कि आपको जॉब से निकाल देंगे।
इस पेंडेमिक में भी मैंने किसी को ये बोलते हुए सुना नहीं कि उनको जॉब से निकाल रहे हैं या ऐसा कुछ भी। और अगर आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो भी जाता है तो 3 मंथ्स का बेंच पीरियड होता है, जिसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में आपका इंटरव्यू फिर कंडक्ट करवाया जाता है और 99% ऑफ केसेस में वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो ही जाते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी की आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर आप आ रहे हो तो जॉब आपकी सिक्योर्ड रहेगी। तो लास्ट में आते हैं कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है SCL फर्स्ट करियर्स प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद। तो टू बी ऑनेस्ट, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मुझे काफ़ी सीखने को मिला और मैंने कुछ इतने एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम किया जिन्होंने मुझे हर स्टेप्स पर गाइड किया कि मुझे क्या कैसे काम करना चाहिए, किन टेक्नोलॉजीज पर काम करना चाहिए, क्या कुछ सीखना चाहिए, क्या स्किल्स एक्वायर करने चाहिए जिससे मेरी खुद की ग्रोथ होगी। और टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर अपने आपको 3 साल पहले कंसिडर करूँ और 3 साल बाद अब कंसिडर करूँ तो मेरे में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, मेरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है और मेरे IT स्किल्स जो 0 थे पहले वो काफ़ी ग्रो हुए हैं और मैं अब काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ अपने स्किल्स के ऊपर। और रही बात लोगों की, तो 99% ऑफ द पीपल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस स्टेप पे और आपको भी वैसे ही बनना है, पर कुछ 1% लोग होंगे जो ऑफिस पॉलिटिक्स करेंगे और डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे आपके काम के बीच में, पर आपको उन लोगों पर फोकस नहीं करना है, आपको बस अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है और आपको बस ये देखना है कि आप कैसे इंप्रूव होगे। अब आते हैं कि आपको ये प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपके स्किल्स मेरे जैसे थे, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मेरे स्किल्स कम थे IT स्किल्स, तो आप बिना कुछ सोचे समझे ये ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये आपको काफ़ी ट्रेन करेंगे टेक्निकल स्किल्स पर, कम्युनिकेशन स्किल्स पर, कि आपको कैसे बात करनी है क्लाइंट्स वगैरह से, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। पर अगर आपके पास ऑलरेडी IT स्किल्स हैं और आप कॉन्फिडेंट हो तो पहले आप दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेना, वहाँ इंटरव्यू दे देना, अगर नहीं अच्छा लगे तब ये SCL फर्स्ट करियर्स प्रोग्राम कंसिडर कर लेना, तो ये भी आपके लिए काफ़ी सही ऑप्शन रहेगा। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी SCL फर्स्ट करियर प्रोग्राम ज्वाइन करने की और उसके बाद की SCL टेक्नोलॉजी में फुल टाइम एम्प्लॉय जब कन्वर्ट होते हैं तब की। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, जिससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी कि IT इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करना है और कैसे ग्रो करना है। थैंक यू।